आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप आधार कार्ड में घर बैठे ऑनलाइन कैसे करेक्शन कर सकते हैं। आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जैसी सर्विसेज यहां पर ऑनलाइन क्लोज हो चुकी हैं करेक्शन के लिए। और यहां पर एड्रेस अगर आप ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो अभी ऑनलाइन आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। और एड्रेस अपडेट अगर आपकी मैरिज हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप कोई एड्रेस आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रूफ, जैसे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया या फिर आप फैमिली हेड प्रूफ भी दे सकते हैं, उसके थ्रू भी आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में बनी रही है, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत। चलो शुरू करते हैं। आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल साइट पर आना है। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप UIDAI की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं UIDAI.gov.in। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर काफी सारी आपको देख सकते हैं लैंग्वेज मिल जाएगी। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपडेट आधार में यहाँ पर देखिए अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहीं से आप अपना डेमोग्राफिक डाटा अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड लॉगिन करना होगा। आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखेगा ये कैप्चा कोड डालेंगे। आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर OTP सेंड किया जाएगा और OTP आपको यहाँ पर नीचे डालना है और यहाँ पर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने पर यहाँ पर देखिए सर्विसेज आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपडेट, डाउनलोड आधार, PVC आधार कार्ड, यहाँ पर आपको ऑर्डर करना है, एड्रेस अपडेट, काफी सारे यहाँ पर आपको फीचर मिल जाएंगे। जैसे एड्रेस अपडेट करना है तो एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे एड्रेस अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन और हेड ऑफ फैमिली, अगर कोई फैमिली के हेड का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देके एड्रेस अपडेट कराना है तो यहाँ पर करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अपडेट कराना है किसी डॉक्यूमेंट्स पर तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि केवल आपको आधार कार्ड बस यहाँ पर एड्रेस अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका करंट एड्रेस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स टू बी अपडेटेड, जो अभी आपको अपडेट करना है वो यहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना जो भी नया एड्रेस डालना है तो यहाँ पर आपको अपना डाल देना है नया एड्रेस। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपका हिंदी में नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना हाउस नंबर डाल देंगे आप और यहाँ पर बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर, नीचे आएंगे यहाँ पर स्ट्रीट लेन नंबर मिल जाएगा तो यहाँ पर स्ट्रीट लेन नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर एरिया, लोकलिटी, सेक्टर डाल देंगे। नीचे आपको लैंडमार्क मिल जाएगा तो यहाँ पर लैंडमार्क डाल देंगे। हमारा इन फ्रंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है तो हमने डाल दिया। उसके बाद पिन कोड डालेंगे तो स्टेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। नीचे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप क्या करना है सेलेक्ट करना है। उसके बाद विलेज मिल जाएगा तो यहाँ से आप अपनी विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैनुअली आपको अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। इफ फोटो नॉट अवेलेबल इन मैरिज सर्टिफिकेट तो सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे अगर आपकी शादी हुई है, एड्रेस चेंज करना है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और आपकी मैरिज सर्टिफिकेट में फोटो नहीं है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, इफ फोटो नॉट अवेलेबल इन मैरिज सर्टिफिकेट। अगर फोटो है तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट एंड ओल्ड पोल डॉक्यूमेंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। और व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपने मैरिज सर्टिफिकेट रखा है उसको यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, अपडेटेड डाटा फील्ड जो भी रहेगा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर दोनों टर्म को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर पूरा फॉर्म जो आपका रिव्यू कराया था वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ₹50 का पेमेंट करना है, यहाँ पर टर्म एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर रिजर्व पेयर पे यू है तो जिस भी मेथड से आपको पेमेंट करना है मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहीं पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिस मेथड से आपको पेमेंट करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर UPI है, वैलेट है, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, व्हाट्सअप, जिस मेथड से पेमेंट करना है, जैसे मैं UPI के थ्रू करूँगा, UPI मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर पेटीएम मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आप अपने पेटीएम का नंबर डाल देंगे, और यहाँ पर जैसे हमने पेटीएम का यहाँ पर UPI ID डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे आपका UPI ID वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर आप UPI एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट चाहेंगे उस पर आपको उस मोबाइल नंबर पर मैसेज भी चला जाएगा, और यहाँ पर आपको एक लिंक भी सेंड हो जाएगा, आपके मोबाइल एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर जैसे हमने प्रोसीड टू पे किया, और यहाँ पर हम अपना पिन कोड डाल के, यहाँ पर पास कोड डाल के यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें, और यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर हमारी जनरेट हो गई है, आधार नंबर, हमारा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, यहाँ पर हमारा जो है तो अपडेट रिक्वेस्ट डिटेल हमारा ले लिया गया है, और आपको इनवाइस डेट मिल जाता है। उसके बाद यहीं पर आपको अपना स्टेटस अगर ट्रैक करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना SRN नंबर कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पर आ जाना है अपने आधार कार्ड वाले स्टेटस पर, उसके बाद गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अपडेट, आधार अपडेट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहीं से हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं जितने भी बार आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराएंगे, और जो भी फॉर्म यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगा, जैसे आधार अपडेट की हमने एक रिक्वेस्ट लगाई है 24/8/2023 है, यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेज पर है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर इसका स्टेटस ट्रैक करना है तो देख सकते हैं अभी ये वेरिफिकेशन स्टेज पर है, उसके बाद यहीं पर आपका स्टेटस जैसे अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ से 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका ये अप्रूव हो जाएगा तो आपका एड्रेस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन आप घर बैठे अपडेट करा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपका भी पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। नीलेश 0904, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए टेक केयर।